ममता टुडू जिसने साल 2009 में विजयवाड़ा में हुई अंडर 13 तीरंदाजी में नेशनल चैंपियन अवार्ड हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया, तब से लोग उसे गोल्डन गर्ल के नाम से जानने लगे। जिन हाथों ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया आज वही बदहाली की जिंदगी जी रही है। ममता के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसे अब झाल मुढ़ी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। आखिर क्यों एक गोल्डन गर्ल सड़कों पर झाल मुढ़ी बेचने को विवश है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो आदिवासियों को धनुर्विद्या विरासत में मिली है, लेकिन जिस 13 साल की उम्र में लड़कियों के हाथों में गुड्डे गुड़ियों का खिलौना हुआ करता है, उस उम्र में ममता टुडू ने तीर धनुष से खेला। धनबाद मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित संथाल टोला एक जगह है। यहाँ ममता टुडू अपने माता पिता और छोटे भाइयों के साथ रहती हैं। ममता को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। पिता के द्वारा दिए बांस की तीर धनुष से उसने तीरंदाजी शुरू की। देखते ही देखते वो धनुर्विद्या में निपुण हो गयी और महज 13 साल की उम्र में उसने विजयवाड़ा में अंडर 13 राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में शामिल हुई। और सिर्फ शामिल ही नहीं हुई बल्कि अपनी तीरंदाजी का जौहर भी दिखाया। उसने इस चैंपियनशिप में जीत हासिल की और गोल्ड मेडल भी जीती, लेकिन कोरोना काल में वापस अपने घर लौट आई और परिवार की जिम्मेदारी निभाने में जुट गई। और फिर जिन हाथों ने कभी निशाना लगाया था आज उन्हीं हाथों से झाल मुढ़ी बनाकर बेच रही है। घर के पास में ही सड़क किनारे प्लास्टिक व बांस से बनी झोपड़ी नुमा दुकान में ममता अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। ममता कहती हैं कि इसे बेचकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, लेकिन सपना अभी बरकरार है। राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप, तो उसमें क्या आप जीती थी? हाँ, हम उसमें गोल्ड जीते थे और 30 मीटर में गोल्ड था, 20 मीटर में गोल्ड था, ओवरऑल गोल्ड था, चैंपियन हुए थे वहीं से स्टार्टिंग। ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी फिलहाल? पहले तो यहाँ पटाड़ा फीडर सेंटर में ट्रेनिंग लेते थे। हाँ। वहीं से स्टार्टिंग भी मेरा वही है। रांची में कहीं ट्रेनिंग ले रही थी? अभी अभी हम एक्सलेंसी में है, रांची में है। हाँ। तो वहीं पर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कितने सालों से वहाँ ट्रेनिंग पे थी रांची में? रांची में 2 साल हो गया। 2 साल अभी लॉकडाउन के कारण बंद है। कितने महीने से बंद है? करीब वही मार्च से ही बंद हो गया था, स्टार्टिंग लॉकडाउन से बंद है। क्या आर्थिक स्थिति के परेशानी के कारण ही हम ये सब कर रहे हैं, झालमुढ़ी वगैरह बेच रहे हैं, कि घर का प्रॉब्लम भी, स्थिति भी वैसी ही है। तो आर्थिक स्थिति यही है मेरा कि सहायता मिले आर्थिक स्थिति का। आगे खेलना चाहते हैं पर अभी तो घर का स्थिति ऐसा है कि जॉब चाहिए। घर में सब पापा ये भी हाजिरी भी काम करते हैं और बस यही सब दुकान वगैरह चल रहा है, मतलब जो अच्छा से काम हम नहीं चलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ममता की माँ दरगाह टुड्डू सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रही हैं। वहीं उनके कोच मोहम्मद शमशाद ने भी सरकार का ध्यान ममता की ओर आकृष्ट कराते हुए आर्थिक पहल की मांग की है। ठगे महसूस कर रहे थे तो अभी तो देखिए उतना खेल खेल करके आ गए तो अभी यही धंधा शुरू किए, क्या करेंगे हम, पैसा का कमी है। हाँ, अभी तो नहीं चलाने से तो खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, तो वही मांग रहे हैं पैसा दीजिएगा तो आगे बढ़ेगा बेटी, वही नौकरी के लिए बेटी के लिए मांगे, कौन सी मांगेंगे। हाँ, वही देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, गरीब आदमी तो नहीं ना बढ़ा दे रहे हैं, पैसा भी नहीं है, उसका तीर धनुष वाला है वो वाला नहीं है, कैसे आगे जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि धनबाद के इस बच्ची को, गोल्डन गर्ल को आर्थिक मदद देकर इन्हें सहयोग करे ताकि आने वाला दिन में किसी तीरंदाजी या किसी खिलाड़ी को ऐसा दुर्दशा ना हो। 2000 से झारखंड अलग हुआ है, आज 20 साल होने को है और कितने ये झारखंड के कई क्षेत्र में डे बोर्डिंग तीरंदाजी के आवासीय चल रही है, लेकिन धनबाद में एक भी डे बोर्डिंग और आवासीय केंद्र नहीं खोला गया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि धनबाद में भी एक आवासीय या डे बोर्डिंग दे, आवासीय देने से ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहां बच्चे रहेंगे, खाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तीरंदाजी का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट होगी। एक एकेडमी तरह का होता है आवासीय, इसीलिए मैं आग्रह करूँगा सरकार से कि यहाँ पर भी
धनबाद में भी एक आवासीय केंद्र दे तीरंदाजी का, जिससे बच्चे खेले और गोल्ड मेडल जीत सके तीरंदाजी में। बहरहाल ममता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिन आदिवासी हितों का ख्याल रखते हुए झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, उन मूल उद्देश्यों से झारखंड की सरकार भटक चुकी है। आदिवासियों के नाम पर वोट की राजनीति करने वाले माननीयों की अब नहीं तो आखिर कब नींद खुलेगी। धनबाद से नीरज, पंजाब केसरी टीवी।